जैसे बोला जाता है कि आस्क बिलीव एंड रिसीव, तो इन तीनों से कैसे हम मैनिफेस्ट करें और रिसीविंग मोड क्या होता है, मतलब एक एक करके आप सारे इनको एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिए। जैसे हमें सीक्रेट बुक में पता चला कि आस्क बिलीव एंड रिसीव, उन्होंने अच्छा एक थ्री स्टेप फॉर्मूला दिया, पर जब मैं इतने 12-15 साल से मैं लोगों को मेंटोर कर रहा हूँ, कोच कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूँ, तो जब मैं वर्कशॉप, हम पैन इंडिया में वर्कशॉप भी करते हैं, तो जब मैं वहाँ सिखाना स्टार्ट किया तो मुझे एक चीज़ समझ आया, जब हम आस्क बिलीव रिसीव की बात करते हैं, बहुत सारे लोग वो मेन एसेंस उसका भूल जाते हैं। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, बट अगर लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, उनके पास कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर उस फॉर्मूला को हमने डेवलप किया कि आस्क बिलीव गिव एंड रिसीव, गिव पार्ट या डू पार्ट है, एक्शन ड्रीम बिलीव अच्छा एक्ट एंड रिसीव, तो जो एक्शन एक पार्ट है ना सबसे पहला वो मिसिंग है, क्योंकि एक जो पॉइंट आपने कहा कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझते हैं कि अफर्मेशन कर लो हो जाए, राइट। मैं तो आपको और एक पॉइंट बताता, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मान लिया तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, अफर्मेशन तो आधे लोग करते हैं नहीं है, बहुत लोग हैं अच्छा मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मान लिया ना, एक बार सोच लिया तो हो जाएगा करके, जबकि सीक्रेट बुक में एक बहुत अच्छा चीज बताया है सीक्रेट मूवी में कि आपका थॉट्स, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एक बार सोच लूं मैनिफेस्ट होगा तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नहीं हुआ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फिर बेकार है ये करके, जो कि सही नहीं है। और सीक्रेट में भी ये एक चीज बताया था कि अगर आप एक बार सोच के सब चीजें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हुआ तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि उससे आप एक हाथी के बारे में सोचोगे, हाथी यही प्रकट हो जाए आप क्या करोगे फिर, और कितने नेगेटिव थॉट्स भी तो चलते हैं और वो मैनिफेस्ट हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, तो कभी गुस्से में आप कैसे सोचते हो, दुखी होके सोचते हो, कितने लोग दुखी होके सोचते हैं कि जिंदगी ये नहीं खत्म होने तो क्या होगा करके, अच्छा हो करके, तो ऐसा होना स्टार्ट हो तो पता नहीं क्या ही होगा, बिल्कुल। तो देखिए इसके लिए क्या है, जो अभी जो प्रोसेस मैं सिखाता हूँ या जो मैं बोलता हूँ कि फॉलो करने के लिए, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड रिसीव, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हमें एक्शन नहीं लेना है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर एक्शन लिया तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ आ गया, तो देखिए सबसे पहला चीज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोसेस ऑफ ब्रह्मांड का एक क्रिएशन का प्रोसेस है, जो हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में, तो सबसे पहला हमें क्या है, ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम मतलब क्या है, ये नहीं कि जब हम सोते हुए देख रहे हैं, आदमी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्रीम मतलब हमने हमारे पास एक अपना एक लाइफ का एक विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए आगे एक साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद, तो टाइम के साथ आपकी विजन और ड्रीम जो है वो बेटर होती जाएंगी। बट आज के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि लाइफ के जो चार पांच एरिया है उसमें मैं क्या चाहता हूँ, मेरा फाइनेंस क्या हो, मेरे नौकरी या बिजनेस कर रहा हो तो उसमें मैं कैसे करूँ, मेरा हेल्थ कैसा हो, मेरा रिलेशनशिप कैसा हो, मेरा सोशल या फैमिली के साथ दो रिलेशनशिप वो कैसा हो, और थोड़ी सी मेरी पर्सनली मैं कैसे फील करूँ, मेरा नहीं जो पार्ट है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी हो, मेरा पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, सब कुछ कैसा है, तो ये जो चार पांच कुल चीजें हैं इनका एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए। बट बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को अपने लाइफ में ये सब क्लियर नहीं होता, दूसरे के बारे में सब कुछ क्लियर होता है, लोग बहुत जाना था ही आपने देखा होगा स्पेंड कर देते हैं कि वो क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, खुद क्या करना चाहिए पता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते इवन फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी पता ही नहीं है, आज सोच रहे हैं आज मुझे ये चाहिए, कल सोच रहे हैं वो चाहिए, आज सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, कल सोच रहे हैं कि देखा तो कोई न्यूज में देख लिया है कि किसने बिजनेस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों को देख के जी कि स्टार्टअप कर ले, कभी एक्टर बन जाए, कभी ट्रेनर बन जाए, कुछ भी, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक पिक्चर बना के अभी के लिए वो क्या करना चाहिए, लाइफ का एक ड्रीम एक क्लियर होना चाहिए। फिर जो हमने पहले डिस्कस करा बिलीफ पार्ट में जाना चाहिए कि क्या इन सब चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए मेरे मन में चल क्या रहा है, वेयर आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू, मुझे पैसा चाहिए बट मैं क्या किस चीज़ों के तरफ अट्रैक्टेड हूँ, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए मुझे किस चीज़ों के तरफ मैं अट्रैक्टेड हूँ, तो बिलीव को समझ रहे हैं, वहाँ पे रिप्रोग्राम करना है, माइंड को ठीक करना है। उसके बाद जो है जो एक्शन पार्ट है, एक्ट या मैं बोलता हूँ कभी कभी बोलता हूँ ये गेम करके, क्योंकि अगर कभी हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्ट करते तो आधे लोग ना उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, तो उसका एक दूसरा वे क्या है, गिव,
तो आपको ये सब जो मिलियन से पहले आप क्या देना चाहते हैं? जैसे कोई भी आप अगर बिलियनर को देख दुनिया में, तो उन्होंने उनको बिलियन्स ऑफ डॉलर मिले, हर कोई बोलता है इन्होंने तो बिलियन्स ऑफ डॉलर कमा लिया, बट क्या उनको बिलियन्स ऑफ डॉलर अपने आप ऐसे आ गए? वो बिलियन्स ऑफ डॉलर आगे से थे, उन्होंने दुनिया को कुछ दिया, राइट? उन्होंने फोन बना के दिया है, उन्होंने लैपटॉप बना के दिया, उन्होंने ऑयल एंड गैस निकाल के दिया, उन्होंने कोयला निकाल के दिया, पावर निकाल के, कुछ ना कुछ जो जिस बिजनेस में है, राइट? जैसे बिल गेट्स ने विंडोज बना के दिया दुनिया को, स्टीव जॉब्स ने आईफोन बना के दिया, मैकबुक बना के दिया, right. उसी तरह से मतलब अंबानी, अदानी, पावर, कुछ ना कुछ दिया है, कुछ दे रहे हैं और उसके एक्सचेंज में उनको मिल रहा है। तो हम क्या देना चाहते हैं? उसी तरह से एक रिलेशनशिप में हम अगर लव रिसीव कर रहे हैं तो हम भी अपने पार्टनर को क्या दे रहे हैं? अगर हम फैमिली से हमें ऑलरेडी मिला है तो हम भी फैमिली को क्या दे रहे हैं, राइट? तो वो देने का तरीका क्या है? एक्शन है। यहाँ पे जब हम गिफ्ट की बात करें तो हम वो चैरिटी या इन सब की बात नहीं कर रहे, आप एक्चुअल एनर्जी एक्शन के थ्रू क्या ऐड कर रहे हैं? अगर आप एक जॉब में हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करके दे रहे हैं तभी आपको मिल रहा है। तो आप अगर वो काम बहुत हायर लेवल पे, हाई स्किल में, बेटर वे में करेंगे तो आपको उसी जॉब में या तो आपको प्रमोशन या बेटर चीज मिलेगा, या तो आपको नई नौकरी ढूंढती हुई आएगी या नहीं, कहीं ना कहीं के, और आपको नेक्स्ट जॉब में वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको जो गिव है वो भी कितना अच्छा है और कैसे कर सकते हैं वो देखना है। उसके बाद रिसीविंग मोड क्या है कि वहां पे और बहुत सारे लोग, जैसे जितने ज्यादा लोग वो ड्रीम या आस्क में मिस्टेक करते हैं उतने ज्यादा लोग रिसीविंग में मिस्टेक। राइट, रिसीविंग प्रोसेस क्या है? अगर आप ये सब चीज कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है कि अब ये काम होगा, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलेगा करके। वो एक बहुत बड़ा पार्ट बिलीफ का भी है उसमें। बहुत सारे लोग एक बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, सब कुछ तो करते हैं बट रिसीविंग सोचते हैं कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, मैं तो हार्ड वर्क करता हूँ बट मुझे मिलेगा ही नहीं, अच्छा नहीं कम मिलेगा, कैसे मिलेगा, लास्ट मोमेंट में मेरे पास चीजें आके चली जाती हैं, मैं तो ये तो बहुत हमेशा होता है, मतलब ये बहुत सारे लोगों का है कि लास्ट मिनट में उनके पास चीजें अपॉर्चुनिटी आ रही है बट लास्ट मिनट में एकदम वैनिश। तो उसका रीजन आई थिंक यही है, तो उनको वो जब एफर्ट डाल रहे हैं तो उनके अंदर एक सर्टेनिटी होना चाहिए कि यस मैं इसको डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलेगा, मैं उसके लिए खुश होगा, उसके लिए हैप्पी होगा, उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो वहाँ पे ग्रेटिट्यूड का बड़ा अच्छा यूज होता है कि आप उस स्टेज पर जब पहुँचते हैं आपको जो भी लोग इन्वॉल्व है, जो भी चीजें चल रही है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, यूनिवर्स को, भगवान को आप ग्रेटिट्यूड दो और आपको एक खुशी के मूड में रहना है कि जैसे हमने बेस्ट कर दिया तो बेस्ट चीजें होंगी और हमें उस रिसीविंग मोड में, वो है रिसीविंग मोड। ओके, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा बताया आपने कि रिसीविंग मोड आपको बस एक अलग ही उसमें रहना है ग्रैटिट्यूड वाले स्टेज पे। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वो कन्विक्शन नहीं ला पाते उस स्टेज पे, क्योंकि हमेशा सरेंडर तो करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट, एक थॉट ऐसा आता है कि अगर नहीं होगा तो, और फिर कई बार 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 हम सोचते भी रहते हैं ना उसी के बारे में, अच्छा ये हो तो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बार बार देखते हैं, तो उससे कैसे निकले? देखिए यही तो है, यही चीज है, अगर हम सोच रहे कि बार बार चेक कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो हम रिसीविंग में डाउट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एनालॉजी बताता, आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया ना, अब इसमें आप समझिए, आपने जब डिसाइड किया कि पिज्जा खाना है तो वो पहला स्टेप, वो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया आस्किंग पार्ट, आपको डिसाइड कर लिया पिज्जा खाना है। अब आपको पता है कि मैं डोमिनोज में ऑर्डर करूंगी तो पिज्जा वो लोग डिलीवर करेंगे, ये आपका बिलीव है, ये नहीं कि पता नहीं कर रहेंगे नहीं कर रहेंगे। फिर तीसरा क्या है, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने पेमेंट किया, ये सब आपका एक्शन हो गया, आपने गिफ्ट। अब रिसीविंग क्या है कि वो लोग लाके डिलीवर करेंगे, और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आपने बता दिया तो वो लोग कूद रहे हैं, रेडी हैं, एक्साइटेड है, तो वो रिसीविंग मोड में है। अच्छा, अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आप फोन करके पूछेंगे, अच्छा आप सच में आप गिफ्ट हो पीसेस, आपको ऑर्डर मिल गया ना, तो बोले हाँ मैं मिल गया है। आपने दो मिनट बाद फिर से आपने फोन किया, आप पिज्जा बना रहे हो ना मेरे लिए, आप बना रहे हो ना सच में, आप अगर अभी 10 बार 15 बार हर दो मिनट पर पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे, मैम आपका ऑर्डर कैंसिल कर दो, आपको रिफंड कर देते हैं, आप जाओ। तो हम क्या जब हम प्लेस करते हैं हमें पता है कि वो हमें मिलेगा। तो उसी तरह से जब हम अगर एक मैनिफेस्टेशन या एक गोल्स के लिए काम करो,
पहले की स्टेप अगर ठीक है हमने लिया तो हमें उस मोड पे रहना चाहिए कि उस एक्साइटमेंट मोड पे रहना चाहिए, उसी टाइम पे ग्रेटिट्यूड देते रहना है सबको. द बेस्ट वे टू बी इन द रिसीविंग मोड इज गिविंग ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. आप अगर चाहे नौकरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोगों ने आपकी इंटरव्यू ली, एचआर वालों ने आपका प्रोसेस किया, कोई आपको ऑफर लेटर देगा, कुछ लोगों को आप डायरेक्टली जानते हैं, आपने इंटरेक्ट किया, कुछ लोगों को आप नहीं जानते हैं, हो सकता है कंपनी का एमडी आपका अप्रूव करे, तो आपको क्या करना है, सबको लोगे, आप सबको ग्रेटिट्यूड देना है, तो बी इन द रिसीविंग मोड कि उसको फील करना है, आ जाए तो नेक्स्ट क्या करेंगे, कितना बढ़िया होगा जो ऑफर लेटर मिलेगा, तो मैं किसको दिखाऊंगी, कैसे होगा, एंड लेट मी बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर मेकिंग ऑल दिस अरेंजमेंट. तो जितना हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे हम उतना वो डाउट को हटा के, फियर्स को हटा के, हम उतना ज्यादा उस रिसीविंग मोड में रह पाएंगे.